ताकि वो पक जाए। और देख सकते हैं आप कितना सुंदर दिख रहा है सब्जी। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देगी यार मम्मी, ये देख डाल दिया है, देख सकते हैं आप दोस्तों। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे एडी ब्लॉग्स में। आशा करते हैं कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। और अभी बता दें सुबह के बज रहे हैं 7, आप सभी को प्यारा सा गुड मॉर्निंग। और अभी बता दें कि यार मम्मी बना रही है, देख सकते हैं आज मुनगा की सब्जी भी बना रही है आज मुनगा, देख सकते हैं आप। और आज मम्मी काट रही हैं, एक दो साल बाद तो मिली है, एक दो साल बाद मुनगा खा रही हैं और ढूंढ के लाई हैं आरोही की मम्मी, और बना रही हैं अभी मुनगा की साग, है ना। तो अभी दोस्तों इसको तो अभी इसको पूरा काट के ऐसा एक एक करके ऐसा छील लेंगे, देख सकते हैं आप पूरा भी एक एक से काटेगी आरोही की मम्मी और अभी छील लेंगे दोस्तों। बहुत अच्छा लगता है खाने में, बनेगा बहुत, देख सकते हैं आप कितना मोटा मोटा है, तो इसको अच्छा बनाएंगे और बहुत अच्छा लगेगा। इसको कैसे बनाएंगे मम्मी? थोड़ी सी आलू आलू काट लेंगे और थोड़ी सी एक प्याज काट लेंगे और बढ़िया फ्राई करके फिर बनाएंगे। सत्या मां दी तो अभी देख सकते हैं दोस्तों कि यारों की मम्मी अभी एक एक करके तोड़ रही हैं उसको, देख सकते हैं आप। फूल भी अच्छा लगता है इसका। और पीछे से देख सकते हैं दोस्तों आर्यन आ रहा है उठ के, ये देख सकते हैं। मुनगा की सब्जी बन रही है, एक एक करके मुनगा काट रही है अभी आरू की मम्मी। तो दोस्तों पूरा छिल ही गया है, थोड़ा सा बचा है, देख सकते हैं आप मुनगा पूरा छील ही लिया है। तो अभी ये थोड़ा सा और बचा है तो हम भी छिलवा देते हैं आरोही की मम्मी के साथ में। तो अभी हम लोग छील रहे हैं। अरे तुम भी छिलवाओ। तो क्या दोस्तों पहली बार बना रहे हम तो ऐसा वाला, नहीं दाल में या तो टमाटर या तो उसमें क्या बोलते हैं यार बेसन में ऐसा बना रहे थे। और आलू की मम्मी आज बना रही हैं बगैर बेसन की आलू के साथ में। तो अभी छील दे रहे हैं, इसमें बहुत टाइट है वैसे। दाल में भी अच्छा लगता है, बेसन में भी अच्छा, आलू में भी अच्छा, बहुत ताकत लग रही है इसको छीनने में दोस्तों। तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन दबा दें, क्योंकि बहुत मेहनत लग रही है दोस्तों हम लोग बना रहे हैं ये मुनगा की साग। अरे पूरा निकाल लिया है दोस्तों, देख सकते हैं आप एक एक से कॉस कॉस छील लिया है हमने मुनगा की कॉस को, ये कचड़ा कितना सारा निकला है देख सकते हैं आप पूरा। तो अभी आलू आलू और काटेगी आलू मम्मी, आलू के साथ बनाएंगी ना। हाँ।
आलू वालू काटेगी यार मम्मी और फिर बनाएंगे। आलू काटेंगे, टमाटर, एक प्याज। आलू टमाटर और प्याज, और इसमें और मम्मी ने ये खाने बना दिए, चावल बना दिए हैं, देख सकते हैं आप दोस्तों ये कितना प्यारा प्यारा चावल बन गया है। एक आलू, एक टमाटर, तो अभी दोस्तों अरग मम्मी काट रही हैं आलू, देख सकते हैं आप, आलू मिक्सिंग करके बनाएंगे उसमें। ये देख सकते हैं आप, अरग मम्मी शौक से काट रही हैं अभी आलू। तो अरग मम्मी ने अभी देख सकते हैं दोस्तों पूरा आलू और इसको छील लिया है हम लोग ने, और टमाटर भी काट लिया है। तो अभी आलू की मम्मी स्टार्ट कर रही हैं बनाना, और अभी प्याज भी काट रही हैं, देख सकते हैं दोस्तों। बारीक बारीक प्याज काट लेंगे, और कढ़ाई चढ़ा दी है, देख सकते हैं। अभी डाल दिया थोड़ा सा आलू मम्मी ने तेल, और प्याज, और ये पूरा सामान इधर रखा है, और लहसुन भी कुतर रही है आलू मम्मी, देख सकते हैं आप। दोस्तों देख सकते हैं आप, आलू की मम्मी ने आलू डाल दिए है और मुनगा डाल दिए है, तो इसको कर रही हैं अभी फ्राई, फ्राई करके और फिर बाद में इसको बाहर निकाल कर फिर दोबारा बघारेंगी। तो अभी दोस्तों देख सकते हैं फ्राई हो चुके हैं, और आलू की मम्मी अब निकाल रही हैं उसको, फ्राई हो गए हैं, फ्राई करने के बाद निकाल देंगे, और फिर बाद में उसमें फिर बघार दोबारा से बघारेंगे उसको, मसाला सला डाल के, लहसुन प्याज ये सब डाल के। देख सकते हैं दोस्तों ये निकाल लिया है आरोग्य मम्मी ने, और अभी थोड़ा सा डालेंगे जीरे, और जीरा डालने के बाद फिर लहसुन डालेंगे, और फिर प्याज डालेंगे। ये डल गए हैं जीरा और मेथी, जीरा और मेथी डल गई है, थोड़ा देर उसको होने देंगे, और फिर बाद में उसको प्याज को लहसुन को डाल देंगे। तो अभी हो गए हैं जीरा और मेथी, ये तड़का। अब डाल दिए है प्याज, देख सकते हैं दोस्तों अब डाल दी है आलू की मम्मी ने प्याज, और प्याज भूज रही हैं अच्छी शौक से।
टमाटर डाल दिए दोस्तों, देख सकते हैं आप पूरा मसाला इधर ही तैयार हो जाएगा। फिर बाद में डालेंगे मुनगा और आलू, तो इसको फ्राई थोड़ा हो जाएगा फिर डालेंगे। अरे मसाला तैयार कर रही है मम्मी, मिर्ची डाल दी है, हल्दी डाल दी है, मिर्ची बहुत ज़्यादा तीखी थी इसलिए कम डाल दी। धनिया पाउडर डाल दिया दो तीन चम्मच ढाई चम्मच। तो अभी दोस्तों हो गए हैं, देखो टमाटर भी क्लियर हो गए हैं, तो इसमें क्या पता क्या डालेंगे आरोग्य मम्मी। आज बहुत शौक से बना रही, तो आरोग्य मम्मी ने बोला कि आज मैं बनाऊंगी अच्छी मुनगा और वीडियो बनाना है आप, मैं वीडियो बना रहा हूँ। तो इससे दोस्तों क्या है आप लोग भी सीख सकेंगे कैसे बनाते हैं मुनगा की सब्ज़ी। बाकी तो सब बना ही लेते हैं लेकिन अलग अलग प्रकार की बना के सीखना ज़रूरी है। तो दोस्तों लाइक और कमेंट और शेयर ज़रूर करें। ये डाल दिया आरोग्य मम्मी ने मसाला, ये मसाला भुन जाएगा और उसके बाद में डालेंगे वो। तो देख सकते हैं दोस्तों आरोग्य मम्मी ने अभी मसाला ढक के रख दिया है, थोड़ा मसाला पक जाएगा और फिर उसमें अपना पूरा ये सिस्टम डाल देंगे। ये देख सकते हैं आप, दोस्तों मसाला भुन गया देख सकते हैं आप। और आरोही मम्मी ने डाल दिया उसमें पूरा आलू और क्या बोलते कॉस। अब देख सकते हैं दोस्तों कितना सुंदर लग रहा है। देख के ही मुँह में पानी आ रहा है हम लोग तो। दोस्तों आप भी बनाना है ऐसा रेसिपी, कभी मुनगा मिल जाए तो एक नंबर लगता है ऐसा। अभी नमक डाल दिया है दोस्तों इसमें आरोग्य मम्मी ने और मस्त दिख रही है एक नंबर सब्जी। तो दोस्तों थोड़ा सा पानी डाल दिया है आरोग्य मम्मी ने ताकि वो पक जाए, और देख सकते हैं आप कितना सुंदर दिख रहा है सब्जी। और इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल देगी आरोग्य मम्मी, ये देख डाल दिया है देख सकते हैं आप दोस्तों मस्त दिख रही है अभी सब्जी। तो इसमें गरम मसाला डाल दिया है और क्या डाला है इसमें, गरम मसाला डाल दिया है और ये देख सकते हैं दोस्तों अब पकने के लिए छोड़ देंगे इसको, ढक दो तुम ढक दे, ये देखो ढक गई है दोस्तों। अब ये पक जाएगी, पकने के बाद बताएंगे दोस्तों कैसी दिख रही है, बने रहिए हमारे ब्लॉग में। सो दोस्तों सब्जी बन के तैयार हो चुकी है देख सकते हैं आप, ये पूरा उबल गई है और पूरा कंप्लीट हो गई है। तो अभी मशीन को कर देंगे बंद, ये देख सकते हैं दोस्तों। आरोग्य मम्मी चेक कर रही है देख सकते हैं दोस्तों सब्जी, अभी हमने चेक कर ली, पानी भरने के लिए गई थी आरोग्य मम्मी, पानी ले जाओ, सब्जी बन गई है। सो दोस्तों हमारा सब्जी बनाने का तरीका कैसा लगा है आपको, अगर हमारा सब्जी बनाने का तरीका अच्छा लगा हो तो लाइक करें और चैनल पे आप नए हो तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस कर दें। तब तक के लिए बाय, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, बाय बाय।